बाबू सोना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ठीक है बेबी। क्या तुम कारण नहीं जानना चाहते? नहीं, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ। बेबी, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। बाबू सोना। क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रहे हो? हमारी शादी करवाने वाले पंडित जी का आज एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहे। अच्छा, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने पापों की सजा तो मिलनी ही थी। बेबी, मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। मैं सोच रही हूँ तुम्हें क्यों ना आज शाही पनीर और मटर पुलाव बनाकर खिलाऊं। वाह, क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। आ गया ना मुंह में पानी, अब बस उसी पानी से काम चला लो। बाबू सोना, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम मुझे ऐसी दो बात बताओ जिस एक बात से मैं खुश हो जाऊँ और एक बात से मुझे गुस्सा आ जाए। खुशी की बात तो ये है कि तुम मेरी जिंदगी हो। आप वो बात बताओ जिसे मुझे गुस्सा आ जाए। लालच है ऐसी जिंदगी पर। बाबू सोना, मैं चाहती हूँ आज खाना तुम बनाओ। पर बेबी, रोज खाना तो तुम ही बनाती हो। ये कौन सा कानून है कि रोज तुम्हें खाना मैं ही बना कर दूं? ये पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना देता है। शुरुआत तो तेरे बाप ने ही की है।